Talk with the flowers, talk with me for hours. Tell me all the brings you. So hello guys, welcome to my channel. This is your boy Pratik and you're watching Tik Zone. तो आज का जो राइड है बहुत छोटा वाला होने वाला है बिकॉज आई एम राइडिंग टू कस्योंग विच इज़ नॉट इवन 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर. एक्चुअली मैंने क्या है कि अपना जो माइक एंड कैमरा का जो है उसका थोड़ा सा एंगल और थोड़ा सा इधर उधर एडजस्टमेंट मैंने किया हुआ है. सो आई जस्ट वांटेड टू चेक दैट. इसके लिए मैं आज यू नो सिंस द वेदर इज़ रियली गुड एज यू कैन सी विंटर में इस टाइप का मौसम मिलना मतलब इट्स अ ब्लेसिंग यू नो. इसलिए निकल गए अपना राइडिंग गियर पहन के छोटे से राइड पे. एनीवे आई जस्ट गेट बैक टू ऑन द कैमरा वंस आई फिल अप द टैंक. Few moments later. Okay, so अभी मेरा जो है फ्यूल is completely full. तो मैंने अभी 500 रुपये का नो फ्यूल डाला. एंड इट्स अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी कि 500 रुपये में मेरा पूरा टैंकी जो है वो फुल हो गया. अब वापस आते हैं अपने राइड की तरफ. तो हम अब जा रहे हैं कर्स्योंग एज आई सेड अर्लियर. अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गाड़ीधुरा एरिया. बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ये जगह है गाड़ीधुरा. तो यहाँ से अगर आप जाओगे लेफ्ट तो आप पहुँच जाओगे मिरिक वाला रास्ता हो गया. सीधा जाओगे तो आप पहुँच जाओगे कर्स्योंग एंड दार्जिलिंग वाया पंखाबरी रोड. बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर हमारे गोरखा कम्युनिटी के लोग. मतलब मैंने एक चीज़ याद किया तो हमारे जो गोरखा कम्युनिटी है ना जहाँ भी रहते हैं अपना एरिया को बहुत साफ सुथरा करके रखते हैं यार. तो आगे आपको देख रहा है पहाड़ देखना शुरू हो गया है. अब यहाँ से आपका पंखाबारी जो क्या बोलते हैं छोटा सा विलेज बोल सकते हैं या हिल स्टेशन शुरू हो जाता है. और चढ़ाई और लिटरली चढ़ाई जो है आपका दुगना हो गया. जो अभी तक चढ़ रहे थे वो कुछ भी नहीं था, अब यहाँ से आपका दुगना चढ़ाई हो गया. ओहो अचानक से टर्निंग आ गया. आई वॉज रीडिंग द बोर्ड. अभी सीधा जाने वाला था. आईज ऑन द रोड ऐसे ही नहीं बोलते भाई, आईज ऑन द रोड. छोटे छोटे ब्रिज तुम्हें के छोटे छोटे ब्रिज. आई रियली लव दिस हाउस मैन. अगर आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है ही दे रहा है बिकॉज आईज ऑन द रोड एज यू कैन एज यू नो. बट यहाँ से ऊपर एक बहुत ही प्यारा कॉटेज बोल सकते हैं. आई थिंक इसे घर घर है ये किसी का. बट लुक्स लाइक अ कॉटेज टू मी. बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है. मे भी यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ. ये जो आगे आपको दिख रहा है जो वाइट कलर का जो गाड़ी रखा हुआ है स्मॉल लाइक कॉटेज शेप यू नो घर है किसी का. बहुत ही प्यारा यार, मुझे हमेशा से ये घर बहुत पसंद है. ओ ड्राइव कर लो. ओए क्या बढ़िया नजारा है पहाड़ों का. यू गाइस कैन सी ऑन राइट हैंड साइड. मतलब मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ. लेकिन देख लो नज़ारा, देख लो राइट हैंड साइड में आप जंगल, घना जंगल, बड़े बड़े पहाड़. गाइस अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ मैं अपना राइट से. एंड अभी मकेबारी भी नहीं पहुँचे बाय द वे. और यहाँ से यू नो रास्ता बहुत स्टीप हो गया तो यू नो अपना बाइक को थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूँ. ज़्यादा टॉर्चर नहीं जाना है बिकॉज रोड कंडीशन वॉज नॉट दैट ग्रेट. मतलब रास्ता अच्छा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, इसलिए मैं बाइक को जब ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतना मुझे जल्दबाजी नहीं है, टाइम बहुत है हाथ में, इसलिए रेस्ट करते 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 जा रहा हूँ. बाय द वे माय बाइक इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल. हियर्स माय बाइक एंड इफ यू गाइस डोंट नो हर नेम इज़ माया. एंड बाय द वे माया मतलब मेरे लोकल लैंग्वेज नेपाली लैंग्वेज में मीन्स लव. एंड आई लव माय बाइक सो इसका नाम मैंने रखा है माया एंड सी इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल. और बात करते हैं मैंने यहाँ पे रुक के थोड़ा सा फोटो फोटोज भी ले लिया हूँ. सो इफ़ यू गाइस हैव नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल प्लीज़ फॉलो मी. मैं अपना यू नो इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या इस ब्लॉग में आपको आ रहा होगा मैं डाल दूंगा. सो यू गाइस कैन जस्ट चेक आउट माय यू नो इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी देयर एज वेल टू गेट लेटेस्ट व्लॉग. क्योंकि ये जो व्लॉग ये वीडियो है
वो एडिटिंग के बाद यू नो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद दो तीन दिन लग जाएगा नो यूट्यूब में आते आते. सो यू नो फॉर टू गेट द लेटेस्ट फीड आपको मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा. जस्ट चेक आउट द व्यू मैन, द व्यूज़ इज़ ऑसम. पहाड़ है, काउड है, पेड़ पौधे एंड रास्ता आप देख रही हो, द टिपिकल पहाड़ी वाला फील. ओके एनी वे आई गेट बैक टू यू ऑन द मोड ऑफ व्लॉगिंग मोड. सो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया. राइड में हमेशा अच्छी बातें नहीं होती आपके साथ, कभी ऐसा हो जाता कि कई चीज़ें बुरी भी हो जाती है. आज मेरे साथ एक बुरा हुआ. आई वॉज स्टॉपिंग इन दिस एरिया जो कि बिल्कुल दिखा था आपको अच्छे से. तो ये टर्निंग है, दिख रहा होगा आपको. तो दिस इज़ एग्जैक्टली द टर्निंग राइट. तो क्या हुआ, मैं इस पर्टिकुलर स्पॉट पे मैं रुका हुआ था जस्ट टू टेक फोटोज बिकॉज द व्यू वॉज क्वाइट गुड एज यू कैन सी. सो मैं ये शूट करने के लिए रुक गया, देन सडनली देर वॉज अ बिट ऑफ ए ट्रैफिक जैम क्योंकि मैंने टर्निंग में रख दिया था. मेरा गलती है आई नो, बट देर वॉज अ बिट ऑफ स्पेस. मैं चाहता तो मैं नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने जो बाइक है आई डिसाइडेड टू टेक इट बिट बैक फ्रॉम हियर. तो यहाँ से इस पर्टिकुलर स्पॉट से मैं सोचा कि यू नो उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैं पीछे चला जाता हूँ. मुझे रियलाइज़ नहीं किया कि देर वॉज अ स्मॉल बिट ऑफ अ डिच ओवर हियर. तो मेरा बाइक यहाँ पे चला गया, उसके बाद मैं उस पाइप पे पलट गया. लकीली मुझे कुछ हुआ नहीं बिकॉज आई हैड ऑल माई प्रोटेक्टिव गियर एंड मतलब पार्क्ड गाड़ी था, चलाया हुआ नहीं था इसलिए मुझे कुछ हुआ नहीं. लेकिन मेरे बाइक को थोड़ा सा स्मॉल नुकसान हो गया. मैं दिखाता हूँ आप लोग को, जो जो मेरा पार्ट है आप दिख रहे हो, जो MT15 लिखा हुआ उसके नीचे ये सारे स्क्रैचेस आ गए हैं. मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक यार, मतलब क्या बोल सकते हैं अब. हो जाता है कभी कभी गलती इंसान से ना, वही हुआ. बहुत ही माइनर इंजरी है, वो मैं बना लूँगा घर जाके. लेकिन मतलब इट वॉज़ वेरी अननेसेसरी मैन, मेरा खुद का गलती, कोई नहीं. अपना राइड जो है वो कंटिन्यू करते हैं. ये तो मैं छोटा सा माइनर इंजरी है, वो तो मैं घर जाके बना लूँगा. अभी के लिए अपना राइड इंजॉय करते हैं, अपना मूड ख़राब नहीं करते हैं. तो अभी हम लोग पहुँच गए मकईबारी एरिया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ का यू नो टी इज़ वेरी फेमस एंड इट इज़ यू नो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टी इन द वर्ल्ड. तो वो यहीं बनता है, यही एरिया पे बनता है. दैट्स कर्सियम टावर जो कि बहुत दूर से दिखता है. ओ वाओ, दिस इज़ नाइस, बहुत ही अच्छा है ये. बहुत ही नैरो रोड शुरू हो गया है, यहाँ से व्यू बहुत ही ऑसम दिख रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिख रहा है. ये लो, हम तो कर्सियम ही पहुँच गए. Okay then, welcome to कर्सियम. बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है ये छोटा सा. आई एम गोइंग टूवर्स कर्सियांग सिटी नाउ. तो ऊपर जाके कर्सियांग सिटी टाउन निकल के फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके डाउन हिल जो कि हॉन्टेड चर्च वहाँ पे है, जो फेमस हॉन्टेड चर्च कर्सियांग, वो जाके मुझे देखने का मन कर रहा है. तो वो जाके देखूँगा के बाद आगे क्या सोचते हैं. तो दिस इज कर्सियांग टाउन, और ये जो है यही है मेन हाईवे जो दार्जिलिंग की तरफ जाता है,
और देखो बीचों बीच में आपको ये टॉय ट्रेन भी दिखना शुरू हो गया, आई मीन टॉय ट्रेन का जो रेलवे ट्रैक है। सो अब हम कर्सियांग टाउन से ऊपर जाके डाव हिल की तरफ निकल गए। तो ये रास्ता रहता है आपका डाव हिल एंड यहाँ पे और क्या था, हाँ हिमालय स्कूल भी यही रास्ते पे पड़ता है। सर्दी है, सर्दी है, गर्मी नहीं है, सर्दी। ओए होए 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 होए, ऐसे रास्ते पे मतलब बीचों बीच रख के बैक कर रहा है, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता सीधा ठोक देता। और गलती किसका होता, हम उड़ रहा है, हम तो बाइकर है ना, गलती हमारा ही होता है। चढ़ाई पे चढ़ाई, चढ़ाई पे चढ़ाई, ये क्या चढ़ाई चढ़ाई है भाई, मुझे मालूम नहीं था यहाँ भी इतने सारे घर, मतलब देखो इतने बड़े बड़े घर हैं, देख के मजा आ गया। मतलब पहाड़ में चढ़ा हुआ 10 मिनट नहीं हुआ है और खांसी सर्दी शुरू, कहा ट्रेवलर बनेगा भाई तू। जहां जहां रास्ता ले जा रहा वहीं वहीं जा रहा हूँ, पता नहीं जहां जाना चाहता हूँ वहां पहुंचूंगा कि नहीं। बस बड़े चले जा रहे हैं, बड़े चले जा रहे हैं। आई डोंट नो आप लोग को ये कैमरा में जो दिख रहा है उससे आप लोग इम्प्रेस हुए हैं नहीं, लेकिन मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ इस रास्ते से। मतलब दोनों तरफ पाइन ट्री, हमारे लैंग्वेज में इसको बोलते धुप्पी, धुप्पी के पेड़ दोनों तरफ। इससे ये मिस होता है कि इट्स वेरी कोल्ड, सो रिट्रीट निर्वाणा इज दिस साइड। तरफ पूछ लेते हैं, तो अब हम जा रहे हैं द फेमस चर्च ऑफ कर्सियांग डाउनहिल, जो कि कहा जाता है कि हॉन्टेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरे जितने भी कर्सियांग के दोस्त हैं, लोकल दोस्त, उन लोगों ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है, बकवास है। चर्च जाने बाटो ये बढ़ो, चर्च ये बढ़ो, ए तो यहाँ से जाते हैं चर्च। ओके यस, यही तो है। तो दिस इज द वन, द फेमस हॉन्टेड चर्च, द सो कॉल्ड फेमस हॉन्टेड चर्च, जो कि मुझे पता है नहीं है कुछ हॉन्टेड वॉन्टेड नहीं है। बस दिस इज द विक्टोरिया बॉयज स्कूल। सो हे गाइस, फाइनली दी इन फेमस हंटेड चर्च जो है यही है, विक्टोरिया चर्च, जो खाली नाम पर ही हॉन्टेड है, क्योंकि ऐसे मैंने पहले बताया कि जितने भी लोकल्स हैं यहाँ के बताया कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये रूमर्स फैला हुआ है कि ये हॉन्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। सो डोंट वरी, बट स्टिल लुक्स वेरी वेरी ओल्ड, जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, विक्टोरिया मतलब वही सदी का लग रहा है, लुक्स वेरी ओल्ड। पक्का ब्रिटिश ने बनाया होगा इसको, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी नो ब्रिटिश के लिए प्रॉपर हिल स्टेशन था जब बिफोर इंडिपेंडेंस। मैं थोड़ा देर में ऊपर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या है। सो अभी थोड़ा सा स्मॉल टूर ले रहे हैं। सो दिस इज चर्च, यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली अबेंडेंड, और बहुत ही बुरा हाल है चर्च का। दिस इज विक्टोरिया बॉयज स्कूल। Apparently this is a school and this is this is a hostel. तो मुझे एक बहुत अच्छे भैया मिले, जा रहे नीचे, उनको मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता लेकिन उनको जल्दी था, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन गोइंग ऑन। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये स्कूल है, और जो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, आई होप कॉपीराइट नहीं आएगा, वो है बिकॉज यहाँ पे अभी फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया है यहाँ के लोकल और मेरी स्कूल अथॉरिटी ने। आई गेस दैट इज़ अ प्रिंसिपल क्वार्टर। स्कूल के ऊपर भी छोटे छोटे गांव बने हुए, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना ऊपर आके भी, बहुत ही अच्छा। यहाँ से नीचे जाओगे तो आप ग्राउंड पहुँच जाओगे, और नीचे कुछ फुटबॉल चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक है, एंड
मुझे डर है कि कॉपी रह जाएगा, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। सो यहाँ से मैं वापस जाता हूँ एंड होपफुली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस एरिया, सो आई गेट ऑन माई बाइक एंड वापस जाता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।